सही शिक्षा देना होता है ना। तो बताइए, हमारे गुरुजी जी हमको रास्ता भटका रहे हैं। बनते तो बहुत महान है कि हम गुरुजी हैं, संबोधित किया जाता है कि गुरुजी हैं, लेकिन रास्ता भटकाने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग को अब रास्ता भटकने नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में अगर आप लोग लखनऊ की धरती पर गई होंगी तो जरूर देखी होंगी कि लड़ाई किस तरीके से हुई थी। आप लोग सब लोग उस लड़ाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? पहले हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर आप लोग हमें एहसास दिलाइए ताकि हम आगे अपनी बातों को कह सके। संतुष्ट हैं सब लोग ना? आप लोग को विश्वास है ना कि जो लड़ाई हो रही है हमारी सही हो रही है? और हम समझते हैं कि अगर सही नहीं होती तो ये हमारी आंगन भीड़ की आंगनबाड़ी की भीड़ यहाँ तक नहीं है। टीवी पर आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब भैया तत्काल नहीं दिखाई। आप ये बताइए कि लड़ाई कौन लड़ सकता है हमारे बीच में? जिसको बाइलाज की जानकारी हो, जिसको बाइलाज की जानकारी हो, बाइलाज की जानकारी किसको है? हमारे गुलाब भैया को बाइलाज की जानकारी हो चुकी है। अब वो बता देना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी की लड़ाई आखिर ये मांग हमारी इतने दिन से पूरी क्यों नहीं हुई? बताइए आप लोग, आप लोग को ही जवाब देना है कि आंगनबाड़ी की लड़ाई अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि हमारे बीच में जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध किया जा रहा था। हमारे आंगनबाड़ी की जीत की बात कोई नेता परेता बीच में आया, हमारे राव जी भी संगठन चलाए इतने दिन से, और हमारे गिरीश जी भी जिनको गुरु जी कहा जाता है वो भी संगठन चलाए, लेकिन आज तक और भी बहुत सारे संगठन के लोग हैं, लेकिन किसी ने हमारे हित की बात नहीं की। किसी ने की क्या? अगर किए रहते तो शायद आज हम यहाँ नहीं आए रहते, नहीं आए रहते ना? तो हम लोग 3,003 रुपए से लेकर 300 और 300 से लेकर मात्र 3,000 रुपए के बीच में फंसे हुए हैं, फंसे है ना? लेकिन अब आप लोग को जागरूक हो जाना है। आप ये मत समझिए यहाँ पर अगर हमारी 100-200 बहनें आई हैं तो ये कम है। कतई इस बात को मत सोचिए। जब अकेले साईमा दीदी प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद इतने लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं, जब हमारे जिले में हमारी समझ लीजिए महुआ की आरती जी इतने भीड़ को इकट्ठा कर सकती हैं, और हमारी मंच पर सारी बहनें बैठकर इतनी इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लखनऊ ले जा सकती है, अगर आप लोग समझते कि ये लोग अकेली हैं तो आप लोग कितनी है? इतनी है ना, बहुत संख्या ये मायने रखती है। अगर आप लोग चाहें तो हमारी जाकर आज ही से चले जाइएगा घर जब हमारा कल से कार्यक्रम खत्म होगा। आप लोग हर इस बात का एहसास दिलाना चालू कर दीजिए कि हम लोग को चोरों के बीच से निकलकर अच्छे लोगों के बीच में काम करना है, और वो अच्छे लोग हमारे कहने से नहीं। कविता कुशवाहा कहती है कि वो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है गुलाब भाई, बहुत बढ़िया है संतोष भैया, बहुत बढ़िया है हमारे ये सुलेमान भाई। नहीं कतई नहीं, विश्वास करिए, विश्वास करेंगे करेंगे कैसे विश्वास करेंगे? जब आंगनबाड़ी के हित की बात करेंगे तो आप विश्वास करेंगी कि नहीं हमारे भैया ये सही लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे प्रूफ मांगिए। कोई गलत बोलता है, ग्रुप में बहुत लड़कियां होंगी, अगर कोई किसी प्रकार का गलत बोलता है तो तुरंत वहाँ कमेंट लिखिए, गलत बात मत करो, कोर्ट तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, किनारे हो जाओ, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग कम से कम जब तक से ही हमारे भाई साहब लोग का सहानुभूति नहीं बढ़ाएंगे क्या ये लड़ाई लड़ पाएंगे? हमको क्या करना है? एकदम पूरी तरीके से इनका समर्थन देना है, इनका साथ देना है, और इनकी ताकत बननी है। अभी हमें बहुत लड़ना है, इनकी ताकत बनकर हमें बहुत लड़ना है। और जब हम कब कर सकते हैं? जब आप लोग एकता बनाकर इनका साथ देंगी तब हम ये काम कर सकते हैं। अपने बीच में जो गलत तरीके से गुमराह इतने दिन से चले आए हैं और कहते हैं कि आंगनबाड़ी के हित की बात मैं करता हूँ, कतई मत विश्वास करिए। इसलिए नहीं विश्वास करिए क्योंकि बहुत दिन तक तुमने संगठन चलाया, अब बारी तुम्हारी खत्म। मैंने 40 साल तुमको दिया लेकिन अब मैं एक दिन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में हमारा अगुवाई, हमारा भगवान बनकर खड़ा हो चुका है हमारा भाई। अब हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, और जो कि हमारी साईमा दीदी उस दिन आपको
तीन तारीख तक 28 तारीख से धरने पर जाकर बैठी भूख हड़ताल पर। हम कहते हैं कि कोई नेता आपके बीच में भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठता? आप लोग इस बात को समझती हैं ना, क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो हमारे पैसे खाता है, हमें वो संतुष्ट नहीं कर पाता, केवल पैसे चंदा लेना काम है। और कहता है चलो चलो वार्ता करते हैं, 5 लड़कियां उठ जाओ, और बाद में जाकर लड़कियों से समझौता करता है, समझ रही है? और फिर आता है कि आपकी बात को मान लिया गया है, वो 5 लड़कियों को भी फोड़कर उनके साथ मिल जाता है कि चलो जो हमें मिला है उसमें से मैं तुमको भी दूंगा, लेकिन आंगनबाड़ियों को समझाओ और घर ले जाओ, समझ रही है? तो हमारी बहने इसी में से, हमारी और भी बहने जो बैठी है, धन्यवाद देना चाहूंगी उनको भी कि वो लोग फोड़ने का काम करती है। अगर नहीं फोड़ने का काम करती तो हमारी मांग कब की पूरा हो गई रहती, लेकिन वही हमारे नेता पैसा के साथ लगकर कुछ बहने हमारी ऐसी है कि जो उनको देती है जैसे हमारे कर देना चाहते हैं खुलकर, क्योंकि आप लोग खुली बातों को ज्यादा समझती हैं। हमारे लखनऊ की धरती पर जब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे तो जब हम लोग गए कटाक्ष से कि चलो भाई या फिर अपनी फिर हमारे में बुला लो या हमें तुम अपने पास बुला लो या तुम आ जाओ मेरे पास, तो बताइए उसमें से जो राव का संगठन था वो एक होना चाहा नहीं होना चाहा ना? उस समय आप लोग को एहसास हुआ होगा ये चट्टा है, ये चट्टा है ना? तो इसलिए आप लोग को अभी इस बात के लिए कमर कस लेना है कि उस चट्टे को मैं 4 तारीख को दिखाऊंगी कि आखिर असलियत लड़ाई होती कैसे। लखनऊ के अंदर उसको नहीं मार खिलवा दिए, अगर हम लोग 100-200 की भीड़ में ले जाकर नहीं मार खिला दिए तो ये उस दिन मेरा वादा है आप लोग से, लेकिन कब कर पाएंगे? जब मेरी पूरी बहने मेरा साथ देंगी तब, तब तक सुहा के बस की अकेले बात नहीं है, समझ रही है? इस चीज का एहसास मैं उस दिन दिखाऊंगी जिस दिन मैं बुलाऊंगी, कहूंगी या तो तुम अगर सही हो, अगर आंगनबाड़ी हित की बात करते हो तो या तुम अपनी भीड़ मेरे में बुलाओ या तुम स्वयं मेरे पास आ जाओ, समझ रही है ना? गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं बताइए आप लोग, सही कर रहे हैं ना? हमारा असली नेता वही है जो पूरी भीड़ को इकट्ठा लेकर चलेगा और हमारी मांग मंगवाने में हमारा पूरे तरीके से साथ देगा। या फिर तुम मेरा, मैं भी देखती हूँ कि बाइलर्स की जानकारी तुमको कितनी है, तुम कितना लड़ते हो, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, नहीं लड़ने आ रहा मैं रास्ता दिखाऊंगी तुमको लड़ने के लिए, चलो मेरी अगुवाई करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अभी आपने देखा कि जो पूरे भारत से यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांग को लेकर आए हैं, और जहाँ ये पूरे कहते हैं कि हम पोलियो भी लाते हैं, दवाई देते हैं, पोलियो भारत मुक्त कर दिया, सारे काम इन्होंने ठीक कर दिए, लेकिन आज एक बच्चे को मैंने दिखाया, एक आंगनवाड़ी वर्कर का ही बच्चा एक पोलियो से और ये कुपोषण से ग्रस्त है, इनके आँखों में आंसू हैं, कहते हैं 3-3 हज़ार रुपये में हम कितना काम करेंगे, एक जो 80,000-60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो भी अपना काम इन आंगनवाड़ी वर्करों को ही दे देते हैं, ये बड़ी विडम्बना वाली बात है। और भारत की सरकार ये कहती है कि नारी बचाओ नारी पढ़ाओ का जो नारा देती है इन सब पे वो नहीं उतर रहे हैं। तो और चेतावनी दी है एक आशा वर्कर ने, यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम 2019 के चुनाव में हम देख लेने वाली बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आज सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हमारे मंजा सिंह, हमारे भाई सुलेमान, हमारी बहन मैं इनका स्वागत बंधन अभिनंदन करती हूँ। और बहनों, सरकार बहुत कुछ कहती है, सबसे पहले तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हम कहते हैं क्या आंगनवाड़ी बेटियां नहीं है सरकार की? बेटी पढ़े भी तो कैसे पढ़े, क्या भूखों पेट पढ़ सकती है? बेटी ही के लिए अगर सोचना है तो सरकार को सोचना, बड़े गौर से और ईमानदारी से सोचना चाहिए कि बेटी के लिए सरकार ने किया ही क्या है।